कि कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो कि इंसानियत के नाम पे कलंक है, तो या आपने किसी को बोला हो इंसानियत के नाम पे कलंक है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो? और दूसरा सवाल ये कि सही किसी ने आपको कहा है कि इंसानियत के नाम पे तुम कलंक हो? बिल्डिंग में मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं आई वाज द ओपनर और मैं पहले ही बॉल पे आउट हो गया था, जो लोग कैप्टन था वो बोला कलंक का मतलब क्या होता है? कलंक का मतलब आई थिंक बहुत सारी चीजें हो सकती है, कभी नजरिए की बात होती है। कलंक किसी को कोई कलंक लगता है तो किसी को कोई काजल, तो बहुत सारी ऐसी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि कलंक धब्बा है आपकी आंचल पे, आपकी जिंदगी पे, आपके आपके वातावरण पे, आपके घर घर परिवार गृहस्थी पे, या तो किसी को जैसे मैंने कहा है किसी की नजर से कलंक कलंक होता है तो किसी की नजर से मोहब्बत। तो आई थिंक यही जो आप देखेंगे और पाएंगे इस फिल्म में, ये नजरिए की बात है, या ये इश्क है या ये कलंक है, इसका फैसला आपको करना है। इस फिल्म के लिए पहले श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था और सैडली मतलब अनफॉर्चुनेटली उनकी डिमाइस हो गई और आपको ये रोल के लिए अप्रोच किया गया। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपके आपको ये अप्रोच किया गया इस रोल के लिए? क्या एक्स्ट्रा प्रेशर था कि श्रीदेवी का रोल आपको करने के लिए दिया गया? बहुत दुखद बात हुई थी तभी ही, और जब आई वॉज अप्रोच टू डू दिस रोल एक हैवी हार्ट था तभी, बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी इंसान थी वो, और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन टू स्टेप इन टू द रोल, जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे क्योंकि वो मतलब करने वाली थी इस रोल को। लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है आपको और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है, तो वही किया। लेकिन ऑफकोर्स यू नो वी विल ऑल मिस हर टर्मिनल। एक छोटा सा सवाल और संजय सर और माधुरी मैम आप दोनों से, आपने बहुत सारी आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना, कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों? जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूंगा कि ज्यादा काम। क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ years के बाद काम कर रहे हैं साथ में, और हाल ही में अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था, सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद यू नो को-एक्टर्स यू वर्क विद बिफोर, और इसमें भी वैसा ही, लेकिन आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल। मेरे पास भी एक सवाल है क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बोलूंगा बट ये भी मैम ही बोला था, तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुला। मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। करण टुवर्ड्स योर लेफ्ट, करण सर ओवर। कलंक आपके फादर की फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफी ज्यादा करीब था, तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ टीजर इतना बेहतरीन है तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जो जब आपने आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी, अगर आप कुछ बता पाए तो? ऐसी कहानी ये, जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया क्योंकि जिस जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज में रिसर्च करने और वो बीमार भी थे, ही वाज़न्ट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टेन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी वुड हैव इन आवर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे, और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे
उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं. मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं. बहुत साल गुजर गए उसके बाद. और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था. आई थिंक धर्मा प्रोडक्शन पे जो भी मुझसे करीब है वो सब जानते हैं कि कलंक की कहानी क्या है. और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया. एंड आई जस्ट फेल्ट दैट ही वुड फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम. तो उन्होंने डेवलप किया. और आज जब ये पिक्चर देखता हूं, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक मैं कहूंगा स्पेशल से ज्यादा इमोशनल है. एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी. बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज. एंड आई थिंक दैट मींस द वर्ल्ड. करण सर ऑन योर लेफ्ट, स्लाइटली ऑन लेफ्ट. दिस इज सिमरन सिंह हियर. हियर ऑन योर लेफ्ट. So first of all, congratulations to you and the team. The teaser is fantastic. My question to you is, in the teaser we saw that during the titles, all the female leads' name were first and then there was the male cast name. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women. And I've been raised by a group of strong women. And these three wonderful women are the heart, soul and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise. Good, very good. So, मेरा सवाल आपसे और आदित्य से है कि usually there is a perception towards ensemble cast कि सबको वैसा role नहीं मिलता. The कहानी is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? Is it because that you thought that your character would be has a depth to it? What was the reason that you said yes to Kalank? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character. And like I mentioned earlier, the script was something that blew me away, and Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in that place. Alright, we have two more questions. This film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. It's a true ensemble. There's a bull. Oh, sorry. I'm just saying, in case you see. Yeah, the bull and Karan. This is a bit about these six people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play with them. Karan. We have last Karan, questions. Yeah, Karan. Raja, right, Karan. Karan. Bullion. कैसे मैंने तैयार किया. देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं, फिल्म मेकर हूं, तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया. काफी तैयार होकर खुद आए हैं ये. और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं, तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं. तो इसलिए ऐसे कोई मुझे कोई ज्यादा मेहनत, वरुण, आलिया, माधुरी, संजय आदि, सोनाक्षी, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है, तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया. सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है. ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट में या नहीं. भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के. और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आया आपको. हाँ जी, ए वन लास्ट क्वेश्चन. करण. यस यस सर, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर संजू. करण, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर आलिया एंड वरुण. सो आलिया वरुण, वी हैव सीन यू इन हम्पी, बद्री एंड स्टूडेंट, ऑल अर्बन फिल्म्स. या सो हाउ वाज हम्पी एंड बद्री अर्बन फिल्म्स? But it's quite different from yes, this Kalank. Yes, not a period. Yeah. Sanjay ji, so how was working with this film together, you and Varun? And Karan, you also tell us ki kitna difference hua in mein, student to Kalank. Just. I think bacche bade ho gaye. And please, I think is film ke dauran main ye main keh sakta hu ki wo bacche the
2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए. आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए. बट वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल्स? सम थिंग्स डोंट चेंज बट वरुण सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है स्पेशली. हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हुई थी. सच बात है, शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी. क्योंकि प्लीज टेल द रीजन व्हाई लड़ाई हुई. नो रीजन, आई विल टेल यू व्हेन इट बिकम फाइन. व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग. नो वी नॉट, व्हेन यू फेल डाउन. पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ. तो मैंने पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें? आई सेड, क्या दो तीन बड़े फिल्में साइन कर लिए तो हवा लग गई? तो शी सेड, नहीं 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 नहीं, आई मीन माई कैरेक्टर एंड ऑल. तो शी वॉज दिस कॉन्वर्सेशन नेवर हैपेंड. तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था. 20 मिनट, दैट्स इट. एंड आई अपोलोजाइज टू पीपल एवरीवन, बट आलिया वॉज नॉट टॉकिंग टू मी. और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था और मुझे पता था कि ये गिरेगी ही गिरेगी और गिर के जाएगी किधर, मुझे ही पकड़ना है. तो जब वो गिरी और मैंने पकड़ा, अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर तब आलिया हंसी एंड देन वी बिगिन फ्रेंड्स. या नो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लवली. आई लव वर्किंग विद हिम एंड ही इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई हैव टू से ही इज फैंटास्टिक इन द फिल्म इन माय आईज. सवाल ये है संजय जी कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? आप कलम को अभी मिट गया लगता है. थैंक यू एंड थैंक यू ऑन दैट ग्लोरियस नोट.